अब हम क्विंस मैक्लूस्की का एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो डोंट केयर के साथ है, जिसमें डोंट केयर की भी कुछ टर्म्स दी हुई है। हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, जनरली मैं वाई लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू, लेकिन इस फॉर्म में भी आपके लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। फंक्शन ऑफ ए बी सी डी लिखने का मतलब ये है कि चार वेरिएबल तो है ही इस साइड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, दोबारा से अब आपको देखने में आएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके पास टोटल है, इसमें डोंट केयर को भी लेता हूं। तो ये पिछला क्वेश्चन जो किया था, जब तक हमने लास्ट टेबल जो बनाई थी जिसमें हमने असेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट निकाले थे, उससे पहले तक, मतलब प्राइम इम्प्लिकेंट तक, ये क्वेश्चन वैसे ही होना है जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हुआ है बिना डोंट केयर वाला। तो वहां तक सेम स्टेप चलेंगे, बस क्या होगा कि 0, 2 और 5 डोंट केयर है, इसके लिए हम इसके ऊपर स्पेशल मार्क लगाते जाएंगे, बस और कुछ नहीं स्पेशल इसके अंदर। तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आगे मिन टर्म्स, मिन टर्म्स के बाद आगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमने लिख लिया और यहां पे मैं ए बी सी और डी चार वेरिएबल लिख लेता हूं, ठीक है। इसके अंदर देखिए इन सभी का कोड लिख लेता हूं मैं, 0 0 0 0 1 और 0 0 1 1, 0 1 1 1 और 1 0 1 1, ये 11 का आ गया, 1 1 1 1, 0 0 0 0 और 2 का 0 0 1 0 और 5 का 0 1 0 1, ये मैंने सारे कोड्स लिख लिए। अब मैं सीरियल नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें एक भी 1 नहीं है, है 0 है यहाँ, तो मैंने सीरियल नंबर 0, इसमें ग्रुप नंबर भी लिखते हैं कई बार इसको, तो सीरियल नंबर ग्रुप नंबर कुछ भी लिखो आप, तो 0 आएगा इसके अंदर जिसमें एक भी नहीं है, लेकिन 0 डोंट केयर का है इसलिए मैं यहां स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर, स्टार सिर्फ पहचान करने के लिए। और यहां मैं क्या लिख देता हूं, इसका कोड लिख देता हूं 0 0 0 0। अब आ जाएगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के अंदर वो आएंगे जिसमें सिंगल 1 है, एक तो आएगा इसके अंदर 1 1, के बाद आएगा इसके अंदर बस हाँ एक और है 2 1 और 2 2, के ऊपर स्टार लगाऊंगा क्योंकि 2 डोंट केयर में है, ठीक है। तो 1 का कोड लिख दूंगा मैं 0 0 0 1 और 2 का कोड लिख दूंगा 0 0 1 0, ये भी हो गया हमारा, और कोई मेरा नहीं है। नंबर 3 पे आ जाओ, अब नंबर 2 जिसके अंदर 2 1 है, ऐसा कौन सा है, एक तो 3 है, 3 के बाद 3 के बाद और कौन है, 5 3 के बाद 5 है, ठीक है 5, लेकिन डोंट केयर, इसके ऊपर मार्किंग जरूरी है, इसके ऊपर मार्किंग कर लो। तो मेरा कोड है 0 0 1 1 और 0 1 0 1, 2 के बाद 3, जिसमें 3 1 है, 3 1 वाला कौन सा है, एक तो 7 है, 7 के बाद एक 11 है, 11 के बाद बस और कोई नहीं है, 7 और 11, इनमें से कोई भी ऐसा डोंट केयर नहीं इनमें से, तो कोई स्टार नहीं आएगा यहाँ। तो 0 1 1 1 और 1 0 1 1, ये आ गए। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा, 15 है यहाँ, तो 15 मैं लिख दूंगा यहाँ और 1 1 1 1। आप देखेंगे पहली टेबल बनाई है और मैंने कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने स्टार लगाया, स्टार के अलावा सेम है सब प्रोसेस। आप आगे भी देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लास्ट में डिफरेंस आएगा, पी आई आ जाएंगे उसके बाद। टोटल टर्म्स कितनी है देखिए, 2 2 4 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लीजिए, कभी कोई छूट ना गई हो। उसके बाद है नेक्स्ट सीरियल नंबर, अगेन सीरियल नंबर, उसके बाद है फिर मिनटर्म्स, मिनटर्म्स, मिनटर्म्स के बाद आगे है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स लिए हैं ए बी सी और डी।
अब मैंने ग्रुपिंग करके करते चलनी है, इसकी इसके साथ बन रही है, इसकी इसके साथ बन रही है। ग्रुप नंबर जीरो, जीरो का वन के साथ बन रहा है और जीरो का टू के साथ बन रहा है। टू पे डोंट केयर और वन वन पे मार्क, इन पे मार्क कर देंगे हम। जीरो का वन के साथ और जीरो का टू के साथ, ठीक है। तो अब इसका मैं कोड लिख दूंगा, जीरो 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 डैश, इसका लिख दूंगा जीरो जीरो डैश जीरो, जीरो जीरो डैश जीरो, ठीक है। तो ये यहां क्या बनेगा, जीरो के साथ यहां डोंट केयर, यहां भी डोंट केयर लगा दिया मैंने, ये डोंट केयर का बस मार्किंग करनी है आपने बस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जीरो का वन के साथ बना दिया, जीरो का टू के साथ बना दिया, ठीक है। नंबर वन पे आ जाओ, इसका इसके साथ बन रहा है, वन का थ्री के साथ, वन का थ्री के साथ क्या बनेगा, जीरो जीरो डैश वन, जीरो जीरो डैश वन, वन का थ्री के साथ जीरो जीरो डैश वन, ठीक है। वन का फाइव के साथ, वन का फाइव के साथ भी बन रहा है, वन का फाइव के साथ लेकिन फाइव स्टार है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वन का फाइव के साथ जीरो डैश जीरो वन, जीरो डैश जीरो वन, ये आ गया। टू का थ्री के साथ, टू का थ्री के साथ, टू का थ्री के साथ टू पे स्टार है, टू का थ्री के साथ क्या बनेगा, जीरो जीरो वन डैश, जीरो जीरो वन डैश। टू का फाइव के साथ, टू का फाइव के साथ नहीं बन सकता क्योंकि तीन जगह डिसिमिलरिटी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टू पे आ जाओ, इसका इसके साथ ग्रुपिंग देखिए, थ्री का सेवन के साथ बन सकता है, थ्री का सेवन के साथ जीरो डैश वन वन, और थ्री का इलेवन के साथ, थ्री का इलेवन के साथ भी बन सकता है, क्या बनेगा, डैश जीरो वन वन, डैश जीरो वन वन, ठीक है। उसके बाद फाइव का, फाइव का भी बन जाएगा, फाइव का सेवन के साथ, फाइव के ऊपर स्टार, फाइव का सेवन के साथ जीरो वन डैश वन, जीरो वन डैश वन, फाइव का इलेवन के साथ, फाइव का इलेवन के साथ वो क्या बनेगा, फाइव का इलेवन के साथ नहीं बन सकता, फाइव का इलेवन के साथ नहीं बन सकता, ठीक है। तो फाइव का इलेवन के साथ नहीं बनेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर ग्रुप, सेवन का फिफ्टीन के साथ, सेवन का फिफ्टीन के साथ जीरो डैश वन वन वन, इलेवन का फिफ्टीन के साथ, इलेवन का फिफ्टीन के साथ वन डैश वन वन। ये फोर वेरिएबल के हैं, फाइव वेरिएबल के भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फाइव वेरिएबल का के मैप भी आ सकता है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इतना, अब वही चीज चेक करना है कि क्या ये इधर उधर आ गया, जीरो आ गया उधर, वन भी आ गया उधर, टू भी आ गया उधर, थ्री भी आ गया उधर, फाइव भी आ गया और सेवन भी आ गया, इलेवन भी आ गया, फिफ्टीन भी आ गया, सभी आ गए वहाँ। तो इसलिए हमें इस टेबल की अब ज़रूरत नहीं है, इस टेबल को मैं साफ कर रहा हूँ। ये इतना स्टेप हो गए हमारे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद मिनटर्म्स, मिनटर्म्स के बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ए बी सी और डी। मैंने बताया था एक बार डैश आ जाए तो आगे डैश मिलना जरूरी है, डैश मैच होना जरूरी है। तो
इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बन सकता है और बन रहा है. 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 के अंदर क्या बनेगा, 0 0 डैश डैश 0 0 डैश 0 0 डैश डैश. उसके बाद देखिए इसका इसका इसके साथ बन सकता है, इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ नहीं बनेगा. तो 0 2 0 2 1 3 0 2 1 3 तो इस पे 2 पे स्टार और 0 पे स्टार, इन पे स्टार लगा दिया मैंने. क्या आएगा, 0 0 डैश डैश. ठीक है, और कोई ग्रुप नहीं बन रहा. नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 3 फर्स्ट नंबर ग्रुप. इसका इसका इसके साथ नहीं बन रहा, इसका इसके साथ नहीं बन रहा, इसका इसके साथ बन सकता है और बन रहा है. क्या बन रहा है, 1 3 5 7 का, 1 3 5 5 के साथ स्टार लगा दूंगा और 7 1 3 5 7. और क्या बन रहा है, 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश 1 1 3 का 5 7 के साथ बन रहा है. ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 5 का चेक करेंगे किसके साथ बन रहा है, 3 7 के साथ बन रहा है. 1 5 का 5 डोंट केयर है, 3 7 के साथ बन रहा है. 5 के ऊपर मैंने स्टार लगाया है, 1 5 3 7. 1 5 3 7 का क्या बन रहा है, 0 1 5 3 7 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश 1 सेम बनेगा. नेक्स्ट इसका 1 5 का चेक कर रहे थे, इसका इसके साथ 1 5 3 7 इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ भी नहीं बनेगा. ठीक है, और 2 3 का देखिए, इसका किसी के साथ नहीं बनेगा, ना इसका इसके साथ बन रहा है, ना इसका इसके साथ बन रहा है, ना इसका किसी के साथ नहीं बन रहा है इसका. ठीक है, तो आगे 2 नंबर में आ जाइए. इसका इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसका इसके साथ मैच हो रहा है. तो डैश ये क्या है, 3 7 का 11 15 के साथ, 3 7 का 11 15 के साथ, 3 7 का 11 15 के साथ. और वो क्या बन रहा है, मैचिंग डैश डैश 1 1 डैश डैश 1 1. ठीक है, उसके बाद देखिए 3 7 का 11 15 के साथ, उसके बाद 3 11 का 7 15 के साथ, 3 11 का 7 15 के साथ. ठीक है, डैश डैश 1 1. ठीक है, 5 7 का इसका किसी के साथ नहीं बनेगा. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब देखिए मार्क करेंगे, उस टेबल में मार्क करेंगे कौन कौन से आ गए, कौन कौन से नहीं आए. ये 0 1 आ गया, टिक. 0 2 आ गया, 0 2 इकट्ठे देखने आपने, 0 2 ऐसा नहीं है 0 कहीं हो 1 कहाँ 2 कहाँ हो. 0 2 आ गया, उसके बाद 1 3 आ गया, 1 5 आ गया, 1 5 ये आ गया, 2 3 आ गया, 2 3 ये आ गया, और 3 7 आ गया, 3 7 ये आ गया, और 3 11 ये आ गया, 5 7 ये आ गया, 7 15 ये आ गया, और 11 15 ये आ गया. ठीक है, सभी आ गए. इसका मतलब ये टेबल भी हमारे काम की नहीं है, मतलब इस टेबल में सारे कवर हो गए तो इसका आगे कोई यूज नहीं है. अब यहां तक ही यूज था इसका. आपको सभी टेबल रखनी है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सर्व कर रहा हूं, ये सभी टेबल रहेंगी. तो यहां आ गए, यहां आने के बाद चेक करो इस ग्रुप का इसमें कहीं बन रहा है ना, मैच ही नहीं कर रही है. ये मैच करने जरूरी है, दोनों जितने भी डैश है सारे मैच करने जरूरी है. इसका इसके साथ कहीं मैचिंग नहीं है, तो इसका मतलब आगे ग्रुप नहीं बन रहे.
ठीक है, तो मैं पी आई लिख रहा हूं, पी आई का मतलब प्राइम इंप्लीकेंट, पी आई इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बार डी प्लस सी डी। ठीक है, ये आ गए। अब इसको मैं साफ करता हूं, इसके मैं तो इसके अंदर देखिए, ये यहां पे पी आई आ गए और पी आई के मैंने डेसिमल मेंबर्स वहां लिख लिए हैं। इसको अब मैं आगे कर रहा हूं, अब हमें ईपीआई निकालने, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट निकालने, तो उसकी मैं टेबल बना रहा हूं। यहां मैं टेबल लिख रहा हूं, पी आई टर्म्स, उसके बाद नेक्स्ट है डेसिमल नंबर्स, के बाद है मिन टर्म्स, और मिन यहां डिफरेंस आएगा। अब जो डिफरेंस आना है वो यहां आना है कि मिन टर्म्स लिखते हुए यहां डोंट केयर के मिन टर्म्स नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि वो मिन टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, 1, 3, 7, 11 और 15, ये ध्यान रखना। अब तक तो हमने पेयरिंग करनी थी तो उनको हमने 1 मान लिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि डोंट केयर को आप 1 मान के ग्रुप में मिला लो और 0 मान के छोड़ दो। ठीक है, तो अब आपने उसको यहां नहीं लेना है, अब सिर्फ आप मिन टर्म्स यही लोगे, ये नहीं लोगे डोंट केयर, बस यहां डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। तो पी आई की टर्म्स क्या है, पी आई की टर्म्स है ए बार बी बार, उसके बाद है ए बार डी, उसके बाद है सी डी, ये आ गए। तो 0, 1, 2 और 3, 1, 3, 5 और 7, 3, 7, 11 और 15। मैं इन बिन लाइन लगा रहा हूं, लाइन लगाने के बाद यहां मैं लिखता हूं कि इसमें कौन कौन से आ गए, डोंट केयर नहीं देखने आपने, 1 आ गया और 3 आ गया, मैं क्रॉस करता हूं यहां पे, 1 आ गया और 3 आ गया, यहां कौन से आ गया, 1, 3, 7 आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया, यहां कौन सा आ गया, 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11 और 15, ये आ गए। अब लाइन लगाई मैंने और अब मैंने ईपीआई देखे, ईपीआई क्या है, ईपीआई का मतलब एसेंशियल कौन सा है, एसेंशियल वो है जिसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही है, जिसको रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एक पीआई है। देखो इसमें 2 क्रॉस है, इसमें 3 क्रॉस है, इसमें 2 क्रॉस है, इसमें सिंगल है और इसमें सिंगल है, मैं इसको टिक कर लूंगा, इसको टिक कर लूंगा। इसको टिक करने के बाद ये देखा कि ये किस पे जा रहा है, तो ईपीआई क्या हुआ, ईपीआई इज इक्वल टू सीडी हुआ, ईपीआई क्या हुआ, सीडी, और यहां से भी सीडी बन रहा है, तो ईपीआई एक ही आया सीडी। तो अब देखिए, अब आगे आप लिखो, आप चेक करो क्या इसके अंदर सारी मिन टर्म्स आ गए, देखो 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, 1 नहीं आया, तो इसका मतलब दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। हम लिखेंगे एक सेंटेंस, एज ईपीआई टर्म्स या टर्म, यहां तो सिंगल ही है, ईपीआई टर्म डज नॉट कवर ऑल द मिन टर्म्स, सो देयर मस्ट बी सम मोर टर्म दैट विल रिप्रेजेंट 1, जो 1 को रिप्रेजेंट करे, जो भी नंबर तो जो भी होगा वो लिख दोगे जो 1 को रिप्रेजेंट करे। अब देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, इसका मतलब आप इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। यदि ये क्वेश्चन डोंट केयर का नहीं होता तो आप इनमें से किसी को भी पिक कर लेते, लेकिन यहां डोंट केयर का क्वेश्चन है ये, तो इसमें से आप वो पिक करोगे जिसमें से कम डोंट केयर है, ध्यान रखना इसमें कि अब आपका ये तो फाइनल आंसर में आएगा ही आएगा, लेकिन 1 को रिप्रेजेंट करने वाली कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए वहां पर, और 1 को रिप्रेजेंट करने वाली इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, क्योंकि 1 इसमें भी और 1 इसमें भी है,
लेकिन वो वन इसमें तो डोंट केयर आ रहे हैं वन, और इसमें डोंट केयर आ रहे हैं दो, तो आपकी वो टर्म ये होगी फाइनल आंसर में. तो और फाइनल आंसर इज एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल आंसर, सी डी प्लस ए बार डी. इसका रीजन आपको समझा दिया मैंने कि वन नहीं आया था, इसलिए वन को इंक्लूड करने के लिए आपने एक टर्म लेनी थी, आपने वो ली जिसमें डोंट केयर कम थे. ठीक है, ये यहां पर मैक्लुस्की का क्वेश्चन मैंने कर दिया. कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं.